पटियाला के दीपनगर चौक में हनुमान सेवा दल की ओर से अध्यक्ष जगदीश रॉय की ओर से एक सेहत चिकित्सक कैंप लगाया गया, जिसमें शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता के अलावा समाज सेवक डॉक्टर सौरभ जैन ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने आए हुए मरीजों को चेकअप करने के लिए आश्वासन दिलाया कि जिनको भी कोई भी समस्या है चिकित्सक कैंप में आए। लोगों को आश्वस्त किया कि अस्पताल जहाँ उनका इलाज व दवाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से बड़ी संख्या में चिकित्सा कैंप लगाए गए हैं, जिनके बाद वह वर्तमान अस्पताल में जाकर कोई भी मरीज अपना इलाज कम रेटों में करवा सकता है। देखिए, कैंपों की आज डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देश की जो सरकारें कर रही हैं, वो देखो अपनी जगह जो कर रही हैं वो ठीक कर रही। आज देश को कम से कम तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है देखो लोगों के लिए रोज़गार, ठीक है, फिर उसके बाद आती है अच्छी एजुकेशन, फिर उसके बाद आता है सस्ता और बढ़िया मेडिकल इलाज। तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से जितनी पावर भगवान ने मुझे दी है, आप लोगों ने जिम्मेदारी है, मेरा फील्ड है देखो डॉक्टरी, वर्धमान हॉस्पिटल आप लोगों का अपना अस्पताल है। तो इस कोरोना के काल में जो आज हमारा देश आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है और आज देश का किसान और मजदूर सड़कों पर आ चुका है, तो एक अच्छा ही नागरिक होने के नाते मेरी एक मॉरल जिम्मेदारी है कि मैं लोगों के भी साथ खड़ा हूँ। और तो जो जिम्मेदारी आज पब्लिक मेरी लगा रही है कि मैं लोगों को कट तो कट रेट में मैं वर्धमान अस्पताल में इलाज करूं, कोरोना का जो ये दौर है इसमें मैं मैक्सिमम लोगों को कोऑपरेट करूं, वो कर रहा हूं। जहां तक मेडिकल की बात है, मैं पूरे इलाके के लिए ये विनती करता हूं कि आप अपने एरियो में बद तो बद मेडिकल कैंप लगाओ, क्योंकि अस्पतालों में देखो कोरोना का भी डर बना हुआ है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगा के लोगों के घर घर तक पहुँच के उनको फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ मुहैया करावें। जो बनती उसके बाद अगर कोई टेस्ट है तो वो अस्पताल जाके बाद में वो करवावें, और वहाँ पे भी कैंप का जो मरीज जाएगा उन्हें फ्री देखा जाएगा। ये हमारी एक पहल है, कोशिश है। और मैं जो यहाँ पे दीपनगर में जो आज ये कैंप लगा हुआ है, इसके अलावा भी तीन कैंप पटियाला में आज और लगे हुए हैं वर्धमान अस्पताल की तरफ से, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इलाके वासियों ने, जो इन लोगों ने इस गर्मी के माहौल में भी इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे टेंट लगा के, कुर्सी लगा के, और जो लोगों को इन्होंने ये इलाज कराने के लिए माहौल दिया है, मैं वर्धमान अस्पताल की तरफ से इन इलाके वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसी पहल बाकी लोग भी करते रहें और लोगों को इलाज मिलता रहे। डॉक्टर साहब, कोरोना की बात चली है, पिछली बार कोरोना एक बहुत बड़ी मौत हुआ था, लोगों में ऐलान कर दिया गया था सरकारों की तरफ से, पूरा जो उनकी गाइडलाइंस थी उनका पालन किया जाए, मगर आप कोरोना को क्या मानते हैं बीइंग डॉक्टर? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर जहाँ तक बात करें कि वैसे मैं एक अस्पताल का वर्धमान का मालिक ज़रूर हूँ, लेकिन मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर कोरोना की बात करें, देखिए कोरोना के बारे में आप इसको हल्के न मलें, कोई भ्रांति ना रखें कि ये है ही नहीं। कोरोना देखिए पूरे विश्व को एक ऐसी महामारी की तरह खा गया कि ऐसा ना शायद किसी ने अपने जीवन में देखा होगा ना सुना होगा, कि एक साल से ज़्यादा होने वाला है सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो कोरोना है, इसका एक ही तरीका है इससे बचने का, बचाव, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें अपना। अगर हम नौजवान हैं तो ये ना सोचो कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, मान लिया कि मजबूत है, लेकिन जो घर में हमारे माता पिता, हमारे छोटे बच्चे जो हमारा घर पे वेट करते हैं, जब हम शाम को उनके पास जाते हैं, तो हमें हमारी जिम्मेदारी है कि अपना बचाव हम कर लेंगे, लेकिन उनके बचाव के लिए खुद बच के रहें, क्योंकि घर बैठे बुजुर्गों को कोरोना हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि पता ही नहीं लगता कि कब मेरे को हो गया, क्योंकि ये कोरोना घरों में हम ही लोग लेके जा रहे हैं। सर, बीइंग सोशल सर्वेंट की बात की जाए, जो गाइडलाइंस हैं
दिन को कोई पाबंदी नहीं है, रात को पाबंदी है, क्या लगता है सरकार मजाक कर रही है लोगों से? देखिए मैं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सरकार की क्या गाइडलाइन है, क्या है, देखो सरकार और मीडिया या पब्लिक ने डिसाइड करना है। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको निर्वाह कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो देखिए सरकार ने देखना है कि दिन में कोरोना है, रात को है नहीं है, रात को है नहीं दिन में है, ये देखो गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइंस है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा जी। लगता है कि लोगों को पालन करना चाहिए गाइडलाइंस का? देखिए ये गाइडलाइन सरकार बनाती है तो कुछ सोच के ही बनाती है, पालन तो जरूर करना चाहिए जी।